नमस्कार दोस्तों, आज मैं अध्याय 11 ज्यामिति आकृतियों में समरूपता का प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन 6 इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए क्या है, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज PQR, हम बताते हैं एक त्रिभुज है PQR, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और P पर क्रमशः मतलब लाइन से, मतलब PQ पर एक बिंदु ये है E और PR पर एक बिंदु ये है F, क्रमशः E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF समांतर QR है। अब हम इस दोनों को मिला देते हैं, तो हमको सिद्ध क्या करना है, इसे बताना है कि EF समांतर QR है या नहीं है, यह बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास PE बराबर 3.9, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 और FR 2.4 सेंटीमीटर। PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4 सेंटीमीटर। इसमें हमको बताना है कि क्या ये समांतर है, इसके लिए क्या होता है, ये समांतर कब होता है, मतलब EF और QR समांतर कब होता है, जब समानुपातिक प्रमेय होता है, जो है ना आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से यदि ये भुजा, ये संगत भुजाएं हैं PQ और PR, संगत भुजाएं हैं, इनका अनुपात यदि समान हो तब ये भुजा समांतर होगी। ठीक है, अनुपात समान के लिए हम निकाल लेते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PE बटे EQ, यहां से देखते हैं PE बटे EQ बराबर होना चाहिए PF बटे FR के, बराबर PF बटे FR, ये है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तब यह हमारा समांतर होगा, तो हमें ये चेक करना है ये समांतर है कि नहीं, तो हम लिखते हैं PE का मान क्या है 3.9 बटे EQ का मान क्या है 3, बराबर होना चाहिए PF का मान है 3.6 और FR का मान है 2.4, इनका अनुपात समान होना चाहिए। अब इसको हम कट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, 3 × 3 = 9, और इसको कट करते हैं तो 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 2 × 8 = 16 और कट हो जाएगा 0.2 × 12 और 2 × 9 = 18, 3 × 6 = 3 × 9, ये कट होके क्या है हमारे पास, इसको हम कम कर देते हैं, इसको किससे काट देते हैं, छोटा हो जाएगा 3 से काट देते हैं, सीधे 3 × 3 = 24 और 3 × 3 = 3 × 6 = 4 × 8 = 12, तो हमारा क्या मान आ रहा है 1.3/1 बराबर, यहाँ पर क्या है 3/0.3/0.2, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये समान नहीं दिख रहा, मतलब ये बराबर नहीं है, अर्थात PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR के। क्या लिखा हमको, PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR के, अतः EF समांतर QR नहीं है। हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन में, EF और QR समांतर नहीं है, जब ये दोनों बराबर होंगे तब समांतर होंगे। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, सेकंड में दिया है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, EQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर और RF है 9 सेंटीमीटर। फिर हम इसमें ले लेते हैं त्रिभुज PQR में, क्या लेंगे हम PE बटे
क्यू और बराबर होना चाहिए पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, अब हम इसमें फिर मान रख लेते हैं तो आ जाएगा 4/4.5 बराबर होना चाहिए 8/9। अब इसे काट लीजिए, देखिए 2 × 4 और यहाँ बचा 1, 2 × 5 = 10, ये आया 2/2.5। और यह हमारा क्या आएगा, इसको भी कर लेते हैं हम 4 × 8, और 4 × 8 फिर बचा 1, 4 × 8 के 2/2.25। ये देखिए ये दोनों बराबर है, तब हम क्या कहेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से जबकि पीई बटे ई क्यू बराबर है पीएफ बटे एफ आर, अतः ईएफ समांतर होगा क्यू आर के, क्योंकि इसमें ये दोनों बराबर आ रहे हैं, देखिए दोनों बराबर हैं, अतः ईएफ और क्यू आर समांतर रेखाएं हैं। इसी तरह क्वेश्चन थर्ड भी करेंगे, सेम है। PQ = 1.28 cm, PR 2.56, फिर PE 0.18 cm और PF 0.36 cm। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया है PQ PR PE और PF, इसमें भी हम समानुपातिक क्रम लगाएंगे, पर इसमें क्या लगेगा, पी हमारे पास मान PE और PQ पर दिया, तो हम लेंगे PE बटे PQ, त्रिभुज PQR में PE बटे PQ बराबर होना चाहिए PF बटे PR, तब हमारा ये समांतर होगा। भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए, संगत भुजाएं, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते PE बटे PQ और PF बटे PR। तब देखिए हम मान रखते हैं, हम PE है हमारे पास 0.18 अपॉन PQ है 1.28 बराबर होना चाहिए PF है 0.36 2.56। अब इसे काट के देखते हैं, आ जाएगा 0.9 2 × 18 2 × 12 और 2 × 4 = 8। ठीक है, अब इसे काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 × 9 = 36 और ये 4 × 24 और 4 × 16। अब देखिए ये भी समान आ रहा है, 0.9/0.64 बराबर है 0.9/0.64, बड़ा समान है ये, तब हम क्या कहेंगे, PE बटे PQ बराबर है PF बटे PR के, PE बटे PQ बराबर है PF बटे PR के, अतः EF समांतर है QR के, EF QR के समांतर होगा। यहां भी लिख दीजिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आप समझ लीजिए प्रमेय क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का मतलब होता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा से के किसी बिंदु से दूसरी भुजा के किसी बिंदु पर एक रेखा खींची जाती है तो यह रेखा समांतर होती है और उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यह क्या होता है, भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये हमको समानुपातिक आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे और 8 इसके बाद वाले वीडियो में, तो देखते रहिए। थैंक यू।